प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मैंने इनका थोड़ा सा जो है इंटरव्यू लिया है, उनकी एक दो बातें ली हैं। तो जाहिर बात है ये प्रोग्राम बना रहे हैं और ये अपना प्रोग्राम बनाएंगे, तो मेरा अपना प्रोग्राम होगा और इनका अपना प्रोग्राम है। और ये चूँकि पहले के हैं, हमारे पुराने साफ़ी भी हैं और काम भी कर चुके हैं, मेरा तो चूँकि इतना तजुर्बा नहीं है, नया नया मैं आया हूँ और मैं हॉबी के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो ज़फ़र शेख साहब से फिर भी मुलाकात रहेगी और बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तासरात लेने का भी, और आप प्रोग्राम को जारी रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये हमारे मुबशर मलिक साहब मुझे नज़र आए, ये भी आए हुए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज पाकिस्तान डे में आए हुए ये, और ये रेडियो के न्यूज़ पेपर में भी काम किया इन्होंने और साफ़ी भी है। आप एक दो बातें कहना चाहेंगे? जी जी, हम ओवरसीज़ में जहाँ भी रहें पूरी दुनिया में, हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है जी, और हमें पाकिस्तान की हमेशा सोच होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए। हमारा मुल्क है और ओवरसीज़ में रहते हुए हमें पाकिस्तान की इज़्ज़त और पाकिस्तान के वक़ार का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। मुबशर मलिक साहब बढ़ते हुए साफ़ी भी हैं और सोशल एक्टिविटी में भी हिस्सा लेते हैं, मैसेजेस के ज़रिए मेरी बात होती रही है, एक दो मैंने लिंक्स भी भिजवाए हैं जो वीडियो में बनाता हूँ। तो यह है कि आपसे बहुत खुशी हुई बात करके, और बहुत बहुत शुक्रिया आप अपने अपने ख्याल का अपने इजहार किया, शुक्रिया।